आज है 17 जुलाई 2021, और 17 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था शेख बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। शेख बहादुर देउबा भूटान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। द ग्रेट बिग लोयन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिसिस नाइट। द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को क्रिसिस नाइट ने लिखा है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, ऑल यू नीड इज जोस, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्वेक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक को सुप्रिया पॉल ने लिखा है। द फोर्थ लॉयन एसिस ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक को वेणु माधव गोविंद श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। 1,232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक को विनोद कापरी ने लिखा है। स्ट्रेटजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ पुस्तक को रवि शास्त्री ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला अनाज ATM कहाँ शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के फर्रुख नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित कर दिया गया है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में सभी राशन डिपो पर ग्रेन ATM से अनाज दिया जाएगा। सरकार अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन ATM स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इससे न केवल उपभोक्ता को फायदा मिलेगा, सरकारी डिपो पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा, और सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी। यह ATM सरकारी डिपो संचालकों को अनाज वितरण में सहायता साबित होगा। इस डिपो संचालक का इससे समय भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट ने कहा है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट को कौन जारी करता है। मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को यूनाइटेड नेशन जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28%। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया है। इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन धारकों के लिए डायरनेस अलाउंस और डायरनेस रिलीफ को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा प्रत्यक्ष योजना किसने शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। गिल्ट खाते इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से
उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं या व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने और वन स्टॉप समाधान है। टॉप योजनाएं करंट अफेयर्स रिवीजन। पंजाब सरकार राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सगुन नामक योजना शुरू की है। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्ति योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्योदय योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, A.R. रहमान। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तान वे को A.R. रहमान ने लॉन्च किया है। गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद A.R. रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंध कभी ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कई देशों के इजराइल के साथ संबंध में सुधार आया है। अब यूएई ने अपना दूतावास भी खोल लिया है। इजराइल के बारे में जानकारी, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजराइली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाका हरजोग है। इजराइल की सांसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी इजराइल देश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 340। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले 11वें विस्तार को मंजूरी दे दी है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल का यह 11वां विस्तार है। टॉप अनुच्छेद के स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान के भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 668 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछात को समाप्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 2 के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल नियुक्त हुए हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना है। पीयूष गोयल थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे। राज्यसभा स्टैटिक जीके, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। इसको उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से एक होते हैं। राज्यसभा बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी पद पर वह लाभ ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये शर्त होती हैं। राज्यसभा में चुनाव 2 वर्ष पश्चात होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा पहली बार
3 अप्रैल 1952 में गठित हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, राज्यसभा के पहले उपसभापति एस बी कृष्णमूर्ति राव हैं। इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह ये राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जुलाई। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया द्वारा जारी एक बयान में यह घोषणा की गई। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जर दिवस की अवधारणा पहली बार वर्ष 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजा सपति द्वारा पेश की गई थी। जुलाई मंथ में कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंट दिवस मनाया जाता है भारत में। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को राष्ट्रीय फ्राइड क्लेम दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है यूएसए में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को राष्ट्रीय सतगियारा दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिन मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। बाईस जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय ताप अभियंता दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइसिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रेंडमली सिलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारे चैनल की तरफ से शानदार गिफ्ट। तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल गूगल सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोजाना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।